हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अली दोस्तों, पिछले 1.5-2 साल से जब से कोरोना की एंट्री हुई है, तब से कोरोना की सिर्फ एंट्री नहीं हुई है, परेशानियों की एंट्री हुई है, आम आदमी की जिंदगी में तकलीफों की एंट्री हुई है। कोरोना महामारी है और एक बीमारी में कोई कर भी क्या सकता है, लेकिन हम जिनके भरोसे हैं, एक औलाद को अगर कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए उसके माँ बाप जो है हर संभव मदद करते हैं, और अपनी औलाद को कभी माँ बाप कभी छोड़ते नहीं हैं। अब हम अगर अपनी सबकी बात करें तो हम औलाद है, हमारा माँ बाप है, हमारी सरकार, लेकिन सरकार जो माँ बाप है वो किस तरह से हमको पटक के रखी है इस समय में, उसका नमूना आपको बताता हूँ। पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी है, लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, उसके बाद भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट MSEB जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, उसमें बिजली बिल बकाया हो तो तुरंत बिल लाइट काट दिया जाता है, प्रायर एंटीमेशन तक आजकल नहीं देती बिजली विभाग, जो कि सीधा सरकार को रिपोर्ट करता है। एक बात, दूसरी बात, ये तो हुई नॉर्मल सी बात, जो तकलीफ है सबको है, लेकिन हमारे साथ एक महिला मौजूद है, इनकी तकलीफ कुछ अलग ही तरह की है। इनका ऐसा कहना है कि इनके घर में, इनके मालिकाना हक का घर है, वहाँ पर रहते हुए इन्होंने पैसा कोई किसी तरह का ड्यू नहीं होने के बावजूद बिजली मीटर काट दिया गया है और एक महीने से अंधेरे में रह रहे हैं। बात करते हैं इनसे, पूरा मामला जानते हैं। क्या है आपका नाम? क्या है? शहनाज इस्माइल खान। शहनाज जी, आपको क्या तकलीफ है बताइए। एक महीने से दर महीने में बिल बराबर भर के जा रही, जुलाई तक मैंने बिल भरा है, उसके बावजूद भी लोग बोलता है कि मैंने बिल नहीं भरा। मेरा जो बिल है उसके ऊपर लोग ने बिल का जो नंबर रहता है वो भी चेंज किया है, और जो मीटर का मालिक का नंबर है वो भी चेंज करके। तो ऐसा कैसा चेंज कर सकते हैं? उसके लिए आपने, आप घर किसका है, मालिक कौन है घर का? घर हमारा ही है, लेकिन हम लोग सब कुटुंब साथ में रहता है ना, तो एक ही आदमी के नाम पे हमने मीटर रखा है। कितने उसमें रूम है? रूम तो हमारा सिंगल रूम है, और मैं सिर्फ 2 बल्ब और 1 पंखा वापरती हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को 25,000 का बिल बना के दिया। इससे पहले आपको कितना बिल आता था? उससे पहले मेरे को 350 का बिल आता था, या 200-250 तक बिल आता था, क्योंकि मेरा उतना वापरने में आखा दिन घर के बाहर काम करता है, और रात में 2-3 घंटा बस लाइट लगता है। आपने लास्ट में बिल कभी भरा था? जुलाई महीने में, अभी अगस्त के 10 तारीख को बिल काट के गया है, और ये 10 तारीख को अभी 1 महीना हो जाएंगे, उसके बावजूद अभी मैं बोला है बिल भरा है, हमारा लाइट का कनेक्शन करके दो, तो बोलते नहीं तुम 25,000 भरेंगे तो कनेक्शन करेंगे, नहीं तो कनेक्शन नहीं करेंगे। आपने नहीं पूछा कि 25,000 किस हिसाब से भरने का बोल रहे? 25,000 क्यों बोला ना, मैं बोली ये देखो मेरा खाली 2 बल्ब है और 1 पंखा है, मैंने अर्जी तक लिख के दिया है उनको, तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने क्या आपके घर पे विजिट किया, वहाँ देखा परेशानी? हाँ देखा, वो सब देखा, तो ही बोलते तुम बोले दूसरे का बिल उठा के हमको भर रहे ले इतने दिन से, तुम्हारा बिल तुमने भरा ना, 25,000 का तुम्हारा बिल बनता है। तो ये आपने इनकी कंप्लेन कहीं पे आगे की क्या? पुलिस चौकी में जाके की है, तो पुलिस वालों ने बोला ये हमारा काम नहीं है, बोले ये बोले MBC वाले हैं जिन्होंने बोले बिल बनाया है, तो ये वो उनका ही कर्तव्य है कि वो ध्यान देवे, और जो मतलब आपके ग्राहक है तो उनको सही तरीके से उनका कर्तव्य निभाए। आपके घर में कमाने वाला कौन है? मेरा कमाने वाले मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड ऑफ हो गए ले, उनको अभी जब 12 साल हो गए, और मेरा 13 साल का लड़का है, स्कूल पढ़ता है। मतलब आप ही कमाते हो? हाँ मैं ही कमाती। आपकी क्या सरकार से मांग है? मैं तो ये चाहती हूँ कि जो मतलब सही है उनके साथ सही इंसाफ हो गए। मेरा नाम कमलेश। कमलेश जी, आपको क्या परेशानी हो रही है? एक्चुअली हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का डिस्कनेक्शन किया है आज, वो 1 महीने का बिल पेमेंट नहीं किया इसलिए उन्होंने डिस्कनेक्शन किया विदाउट एनी प्रायर नोटिस। हमारे पास प्रायर नोटिस आना चाहिए, MERC के रूल के हिसाब से 15 डेज़ का नोटिस पीरियड देना चाहिए उनको,
कि हम 15 दिन में तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी काट रहे हैं। हमारा एक बिजनेस है, वेजिटेबल सप्लाई है होटल्स के लिए, हमारी वेजिटेबल सप्लाई हमारी भाजी वहाँ पे ख़राब हो जाएगी क्योंकि हमारा कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज की तरफ से अगर वो डिस्कनेक्ट करके जाते हैं बिना बताए तो हमारा नुकसान होता है उसमें। और ज़बरदस्ती वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम पूरा पेमेंट करो तो ही हम तुम्हारे कनेक्शन चालू करेंगे वापस। आपकी क्या मांग? मेरी एक ही मांग है कि ये इंक्वायरी बिठाई जाए कि वो हर एक को नोटिस भेजते हैं कि नहीं, रूल के हिसाब से 15 दिन का जो नोटिस रहता है हर एक को नोटिस जाता है कि नहीं जाता, और कि ऐसे ये लोग आते और धमकी देके ये करते। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि लोगों का पार्ट पेमेंट कर लेके भी उसकी लाइट चालू कर दी जाती है, तो आपको क्यों पार्ट पेमेंट नहीं लेगा, क्या कारण होता है? वो उन्होंने बताया कि एक बार हम लोग ने डिस्कनेक्शन कर दिया तो पार्ट पेमेंट लेते नहीं करे, और डिस्कनेक्शन भी किया वो भी विदाउट इंटीमेशन किया, तो उन्होंने पार्ट पेमेंट तो लेना चाहिए था, या तो इंटीमेशन दो या तो पार्ट पेमेंट करो। आपका नाम? मोहम्मद यूनुस। यूनुस जी, आपको क्या दिक्कत है बताइए। सर मुझे दिक्कत है कि जैसे कोरोना का टाइम आया है तब से कारोबार बिल्कुल ठप है। मेरी मुर्गी की दुकान है, बच्चे काम करते थे लेकिन पगार की वजह से मैंने उसको हटा दिया, अब खुद ही कर रहा हूँ, तब भी उतना नहीं हो रहा है जितना अपना होना चाहिए। उसके बावजूद लाइट का बिल आता है, हम जमा कर रहे हैं जितना हो सकता है करते हैं, उसके बावजूद भी लोग बाग आगे लाइन काट देते हैं जिससे तकलीफ़ होती है, मुर्गी भी मरती हैं लाइट ना होने की वजह से। हमारी तकलीफ ये है कि भाई हमारे कल उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई आपकी लाइट काट दी जाएगी, तो मैंने उनसे टाइम लिया, आके मैं फ़ौरन बिजली दफ्तर में आया और 5,000 रुपये जमा करने को बोला उनको कि 5,000 रुपये मैं जमा कर रहा हूँ भाई, बाकी अगले बिल में ऐड करके मैं जमा कर दूँगा। उन्होंने कहा नहीं, पूरा पेमेंट जमा करने का है। मैं उनसे टाइम लिया कि कल जमा करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाया पैसा कहीं से कुछ भी, फिर भी मैं 5,000 रुपये देने को तैयार हूँ, लेकिन लेने को तैयार नहीं कोई भी, और लाइट के कनेक्शन काट दिए। आपकी क्या मांग? मेरी मांग ये कि भाई मैं जो पेमेंट है बिजली का हमें तो देना ही देना है, जो लाइट की बिल है वो हमें अदा करनी है, लेकिन हमें टाइम चाहिए। तो यहाँ अभी हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की, किस तरह से वो लोग अपनी तकलीफें बता रहे हैं, या एक महिला से हमने अभी बात की, दो पुरुष से हमने बात की, किस तरह से वो अपनी तकलीफ बता रहे हैं कि MSEB जो है, हालांकि यहाँ बैठे अधिकारी है उनकी क्या परिस्थिति है ये वही जान सकते हैं अधिकारी, लेकिन फिर भी इस समय सरकार को चाहिए कम से कम कि आम जनता को राहत दी जाए। पिछले 1.5 साल से जनता सरकार के इसी एक निर्णय के इंतजार में है कि सरकार राहत दे। स्कूल की 15% फीस कम हो सकती है, तो क्यों नहीं MSEB के बिल जो है उसमें माफ़ी चाहे ना मिले, लेकिन समय नहीं दिया जाए। ये सवाल बड़ा है, ये सरकार को सोचना चाहिए। आज लोगों की हालत क्या है, लॉकडाउन दो दो बार, तीन तीन महीना, छः छः महीना लॉकडाउन लगा के घर पर बिठाया है, सरकार ने बिठाया है, बीमारी में मरने देते लोगों को? अगर आप नहीं पाल सकते हो तो मरने देते? आप वहाँ बीमारी भी बाहर भी नहीं कर ले नहीं देते हैं, और यहाँ पे भी आप इस तरह से परेशान करते हो, आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? इतना ही कहूँगा आज के लिए, इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।